भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे केंद्र सरकार भी हैरान रह गई। आईओए ने सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन अध्यक्ष बना दिया है। सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने आईओए के अध्यक्ष पद की इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। सुरेश कलमाडी दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में सालों तक चर्चा में रहे। वजह थी कॉमनवेल्थ खेलों में घोटाला, जिसमें सुरेश कलमाडी आरोपी थे। एक बार फिर कलमाडी सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। असल में भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाडी को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन अध्यक्ष बना दिया है। सिर्फ सुरेश कलमाडी ही नहीं, साथ में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को भी आईओए का आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंगलवार को चेन्नई में हुए आईओए की सालाना सभा में यह फैसला हुआ, लेकिन चेन्नई से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आईओए के इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने भी सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को आईओए का प्रेसिडेंट बनाए जाने पर आपत्ति जताई। सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। ऐसे में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने साफ कह दिया, खेलों में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इन दोनों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले हैं। ऐसे में हम समझते हैं कि आईओए का यह कदम बिल्कुल ठीक नहीं है, कि सरकार से बड़ा कोई है। सरकार को यही देखना है कि वो कहां, कैसे और कब इस चीज में दखल देगी, ताकि जो लोग जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं क्रिमिनल और करप्शन के, वो लोग इन स्पोर्ट्स की बॉडीज में नहीं रहेंगे। तो हमारी सरकार जो भी कदम ठीक समझेगी उसको उठाएंगे, और हम चाहते हैं खेलों में गुड गवर्नेंस हो। इसके लिए हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। हमने रिपोर्ट मांगी है, जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आएगी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की जाएगी, और जो भी एक्शन मुनासिब होगा उसको हम लेंगे। किंतु एक बात स्पष्ट है कि टेंटेड लोग अब आईओए के अंदर नहीं रहेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने आईओए के इस फैसले को गंभीर मामला बताया। साथ ही आईओए से खेल मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें पूछा गया कि आखिर क्यों सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस मामले पर आईओए का कहना है कि आईओए में किसी व्यक्ति को आजीवन अध्यक्ष बनाने के लिए किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, ये आईओए के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये फैसला आम सभा में सर्वसम्मति से लिया गया है।